वहीं बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के बयान को बचकाना बताया और दावा किया कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो देश के पूरे मानचित्र में सिर्फ मोदी ही मोदी दिखाई देंगे। अब आते हैं इस सवाल पर कि मोदी ही जरूरी क्यों है। इस सवाल का जवाब मोदी के नाम और उनके काम और उनके असर में दिखता है, मोदी की उस गारंटी में दिखता है जिस पर भरोसा करके देश ने अब तक 2 बार मोदी को सत्ता सौंपी है। आपको याद हो तो 1984 के बाद 2014 यानी 30 साल बाद देश में कोई पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। ये मोदी थे जिनके नाम पर वोटर उमड़ पड़े। 2019 में भी यही हुआ, मोदी के नाम पर बीजेपी 303 सीटों पर जा पहुंची और अब 2024 है जब मोदी ने 370 सीटों का नारा दिया है। मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व की काट किसी के पास नहीं है। ये कई बार हो चुका है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और अगली बार और शक्ति के साथ जनता उनको तीसरी बार और प्रचंड शक्ति के साथ 400 पार के बहुमत के साथ दोबारा बनाने जा रही है, तीसरी बार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। सियासत में नेता की प्रतिबद्धता, जनता का उस पर भरोसा और उसकी सरकार का इकबाल सबसे जरूरी होता है। ये तीनों फैक्टर मोदी के साथ हैं। मोदी के खिलाफ ताल ठोक रहे इंडिया गठबंधन की ओर देखिए तो कोई भी ऐसे सर्वमान्य नेता का चेहरा नहीं देखता है। मोदी सब पर भारी पड़ते हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी की केमिस्ट्री भी पता नहीं, इसलिए बचकाना बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को समझे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बारे में बयान दे तो ज्यादा अच्छा होगा। हमारे यहाँ पार्टी के बारे में भविष्यवाणी कोई भी नहीं कर सकता है कि कल कौन कहाँ होगा, पार्टी निर्णय करती है। 2024 लोकसभा चुनाव का नतीजा तो 4 जून को आएगा, लेकिन अभी उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक देश के मानचित्र पर मोदी मोदी ही दिख रहे हैं। विपक्ष का सारा विरोध का केंद्र मोदी ही है। मोदी देश के उन नेताओं में शुमार हो चुके हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की सियासत की तस्वीर ही बदल दी है। परिवार की राजनीति, भ्रष्टाचार पर फलने फूलने वाली राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति से अलग मोदी ने सियासत का नया कटहरा गढ़ दिया है। सवाल विपक्ष के पास है कि मोदी के बाद बीजेपी का कौन नेता आएगा, लेकिन विपक्ष के पास इसका जवाब नहीं है। उनका नेता कौन है, कौन होगा? 400 पार के नारे का सामना कर रहा विपक्ष बीजेपी के 75 साल वाले फॉर्मूले पर सवाल उठा रहा है, जबकि बीजेपी ने शीशे की मानिंद साफ कर दिया है कि मोदी है और मोदी ही रहेंगे।